उसके बाद किसी तरह आनंद फानंद में ये लोग उसका पेमेंट किए। वो बहुत बड़ा आदमी था जमाकर्ता, आनंद फानंद में लोग पेमेंट किए। उस समय जो कागज बच गया सर पासबुक, हम लोगों के आंख के सामने में जोन में बैठा कर डुप्लीकेट पासबुक आया था, और मुखिया जी वाला जो पहचान पत्र होता है उस पर फोटो साट करके मुखिया का मोहर और अपने से दस्तखत मार मार करके ऑफिस के सारे स्टाफ को जोन में बुलाकर महीनों महीनों जो है फाइनेंशियल के स्कीम को भी हाई में जो है कि भी हाई एक स्कीम है उसमें जो है कि ट्रांसफर करके सारा कागज काट करके रख दिया गया ऑफिस में। ये हम लोगों के आंख के सामने की बात है, जिसमें हजारों करोड़ रुपया अभी भी फाइनेंशियल में पेमेंट नहीं हुआ है और भी हाई में रखा हुआ है वो काट करके, और ना उसको कोई खोजने जाता है, ना कोई पूछने जाता है, ना उससे कुछ कंपनी को कोई मतलब है, वो पैसा तो कंपनी में ही रह गया। दूसरी बात है कि खुद हम लोगों के मीटिंग में, हम लोगों के मीटिंग में सहारा सिरी के पुत्र इस बात को बोलते थे कि आपको गम काहे का जब माखन चोर है अपने साथ। ये लोग खुद सकारते थे कि हम बहुत बड़ा चोर हैं। मुजफ्फरपुर के तुर्की के मीटिंग में इनके बेटा सहारा सिरी के मुंह पर और पूरे उस महफिल में स्पष्ट बोले थे कि आप लोग क्यों डर रहे हो, 2017 की बात है, कि जब माखन चोर हमारे पास है तो हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता है। इनको अपील को पैसा देने के लिए हो जा रहा है, सहारा सिरी के श्राद्ध में पैसा खर्चा होने के लिए हो जा रहा है, कोर्ट में पैसा अपराध खर्चा करने के लिए हो जा रहा है, तरह तरह का फंक्शन खर्चा करने के लिए पैसा है, लेकिन 5 रुपया इनके ऑफिस से भुगतान करने का औकात नहीं, और 3 गुना संपत्ति है इनके पास। 5 रुपया अगर कोई भुगतान करके बता दे अभी के डेट में ऑफिस से, मैं एक मोज छिलवा दूंगा, इधर का मोज तो छिलवाइए दे, आधा छिलवा दूंगा। 5 रुपया ही लोग नहीं, और शर्म होनी चाहिए कि इतने कर्जकर्ता मर गए, किसी को कोई सांत्वना पत्र, किसी को कुछ नहीं, कर्जकर्ता को घटिया समझा गया। यहां पर ऑफिस के बाबुओं का इतना धौस रहता था उस समय, आज ये लोग आकर के डिबेट में तरह तरह की बात करते हैं, इतना धौस रहता था कि कर्जकर्ता को धमकी दिया जाता था कि तुमको करवंजर करना है, तुमको इतना व्यवसाय लाना है, तुमको इस तरह करना है, तो तुम्हारा नाम यहां से कैंसिल करके हटा दिया जाएगा। अब जब सर आप 1000 लोगों से जुड़े हैं और आपको धमकी दिया जाए यहां से हटाने का, आप कौन सा मुंह लेकर के फील्ड में जाइएगा? क्या ये नहीं हुआ है? कमीशन रिकवरी नहीं हुआ है? कोर्ट निरस्त नहीं हुआ है? अनुशासनहीनता का आरोप लगा लगा करके ये लोग हम लोगों को बर्बाद किए हैं, और सारा प्रकरण हम लोगों के आंख से हो रहा है और ज्ञान हम ही को बांटने आ रहे हैं। सारा कुल्लू हम लोग जान गए हैं कंपनी का क्या फंडा था। सहारा सिरी का पुत्र कहाँ है? सहारा सिरी का पुत्र कहाँ है? भारत से ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सा है? क्यों चले गए? उन पर बहस होती है कभी? कहाँ जाकर के बैठ गए? शादी में तो पूरा एकदम जो है कि एक से एक सेलिब्रिटीज को बुला करके और भोज खिला करके ये लोग सबको भुजा कचरी नमक मिठाई खिला के सारे लोगों को आजाद कर दिया है। वो जो सरकार में बैठा हुआ लोग है वो लोग भी हचर हचर के खाया है। इस लाज शर्म से इन लोगों पर कार्रवाई करने से कतराता है। कानून में जो है जो वकील का 5 लाख रुपया फिक्स है उसका जो है कि 10 लाख रुपया दे दो। जो ज्यादा फरफरा रहा है, जो लाठी लेके गया ऑफिस में, उसका पेमेंट हुआ, वो अपने बल पर लिया, मारा भी, पीटा भी, गाली भी दिया, पैसा भी लिया, लेकिन फंस गया कौन? मध्यम वर्ग के गरीब निवेशक लोग जो आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, कुष्ठ फूटेगा, कुष्ठ रोग होगा। जितना जनता धरातल पर तड़प रहा है, जो हम लोग जुड़े हुए हैं जमीनी स्तर से, और कार्यकर्ता जितना डर डर करके जी रहा है, सबके सब को लकवा मारेगा, कुष्ठ फूटेगा, और दर दर की ठोकर, जैसे अभी एक एक पैसे के लिए त्रस्त हो, कोई भी स्कीम ले आओ चलने वाली नहीं है, कोई भी स्कीम ले आओ चलने वाली नहीं है, सारा फंडा जान गया है। और दुनिया का सबसे भ्रष्ट, सबसे गया गुजरा स्कीम, सारा दुनिया डिजाइलेशन हो गया,
गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।